क्या आपको पता है सोशल मीडिया सभी बैन होने वाले इंडिया में, और हम लोगों को डिटॉक्स हो जाएगा और हम लोग इन सभी सोशल मीडिया के झंझटों से फ्री होने वाले हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जितने सोशल मीडिया ऐप्स है सब भारत से जाने वाले हैं और हम लोग यूज करेंगे। लेटर पत्र लिखेंगे एक दूसरे को। नमस्ते, आशा है आप खुश होंगे, हम भी यहाँ कुशल मंगल है, और ऐसे बातें करने वाले कबूतर के थ्रू। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ बैन होने वाला है अपने इंडिया के अंदर आज, और लोग तो ये हो गया बैन और चला भी रहे व्हाट्सएप। बात क्या है, दरअसल जो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इंडिया में जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, सभी सोशल मीडिया कंपनीज को इन्होंने एक नई गाइडलाइन दी थी इंडिया के लिए जो 26 मई से लागू होगी, यानी कि कल। आज 25 है, आज लास्ट डेट थी, और इन रूल्स को फॉलो करना होगा इन सारी कंपनीज को। अब नाउ ये क्या रूल्स है, सभी कंपनीज को दो कुछ नए ऑफिसर्स लगाने होंगे अपनी कंपनी के अंदर। दो पोस्ट है, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंप्लेंट्स आती है, बेसिकली ये जो कंपनीज है आज से पहले, मतलब ये रूल लगने से पहले बहुत टाइम लगा देती थी, करीबन 6 से 7 महीने भी लग जाते थे किसी भी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, और बहुत सारी देरी लगती थी, बहुत सारे इश्यूज थे। तो इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए, स्ट्रिक्ट रूल्स। जैसे अगर कोई भी कोई कंप्लेन लगती है इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर, किसी को भी लेके अगर कोई अजीब सा ट्वीट कर देता है जो रिलीजियस को लेके या किसी भी टाइप को लेके गलत ट्वीट है या कुछ गलत कमेंट है या गलत पोस्ट है फेसबुक पे ऐसा कुछ, तो इन सारी गलत चीजों को जल्द से जल्द हटा सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और सारी कंप्लेंट को रिजॉल्व कर सके। अगर कोई कंप्लेंट होती है तो 36 आवर्स के अंदर इन सोशल मीडिया कंपनीज को उस चीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसा होगा कि आप एक रूल तोड़ रहे हो। तो ये सारी चीजें करनी होगी। लेकिन अब ये बैन लेकिन अब ये बैन क्यों होगा, बेसिकली सारी कंपनीज ने 3 महीने के अंदर भी इस चीज के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, इस चीज के ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। इन्होंने दोनों में से एक भी कोई ऑफिसर नहीं रखे अपनी कंपनीज के अंदर, इन्होंने कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं किया अच्छे से। सो इंडियन गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया एप्स को बैन कर सकती है क्योंकि ये रूल्स तोड़ रहे हैं, और जो रूल ब्रेक करेगा वो सजा खाएगा। तू एक फटका खाएगा, तुम भी एक फटका खाएगा। हमने इतनी स्पीच बोली। और गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से इंडिया के अंदर व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, 44.8 करोड़ यूजर्स है यूट्यूब के, 41 करोड़ यूजर्स है फेसबुक के, मुझे लगता है फेसबुक के ज्यादा होने चाहिए थे, और 21 करोड़ यूजर्स इंस्टाग्राम के, और 1.5 से 2 करोड़ यूजर्स ट्विटर के इतने नहीं है, ज्यादातर सोशल में ज्यादातर सेलिब्रिटीज और ये सभी यूजर्स हैं। सो इंडिया में इतनी ज्यादा भारी मात्रा में यूजर्स हैं इन सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन की। तो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन तो मुझे नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट एक ही रात में एक ही दिन में कर देगी, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ा प्राइवेसी को लेकर इतना इश्यूज नहीं है। बट ये रूल्स को फॉलो नहीं करे तो एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल ये इनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं इन सारी कंपनीज के ऊपर। तो इनको जल्द से जल्द सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, कल क्या रूल निकल जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। बैन तो नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है इनके ऊपर बहुत बड़े चार्जेस लगा देंगे शायद, या फिर थोड़े से इनको थोड़ी डेट दे देंगे कि इस दिन के अंदर तो आपको करना ही है, अदरवाइज आप बाहर छोड़ के जा सकते हैं। देखते क्या होता है, आपको क्या लगता है। बाकी व्हाट्सएप पे जो भी फेक न्यूज आती है उन पर बिलीव मत कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बार में मेडल पहना था, इतनी गर्मी में इतना बोल गया मैं, और इन सबको मेडल पहनाया जाएगा क्योंकि ये सारे भाई लोग यहाँ पे निकलो। फुटेज गाने। थैंक यू सो मच बाबा, पीस आउट।